हेलो नमस्कार दोस्तों, एमटीएस का जो पैटर्न चेंज हो गया आज हम उस पर बात करने वाले हैं। एसएससी एमटीएस और हवलदार का जो वैकेंसी निकला है 2023 में, तो इसका पैटर्न चेंज हो गया है और इसका फॉर्म अप्लाई कब से हो रहा है, एज लिमिट और हवलदार में क्या क्या फिजिकल होगा, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एसएससी एमटीएस और हवलदार वैकेंसी 2023 में ये निकली है और ये वैकेंसी आज ही आई है। इसमें जो टोटल पोस्ट है ये कितना है, 11,409 आपका टोटल पोस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिसमें कि आपका एमटीएस का पोस्ट है 10,880 और हवलदार का पोस्ट 529। तो हवलदार का पोस्ट बहुत ही कम है, मात्र 529 पोस्ट है और यहीं पर एमटीएस का पोस्ट 10,880 पोस्ट है। तो बहुत कोई एमटीएस में ही अप्लाई करेंगे और इस बार एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो गया। आगे चल के कब करेंगे, जो एग्जाम पैटर्न डिस्क्रिप्टिव था उसको हटा दिया गया है और एक लेवल में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो चलिए, जो अप्लाई का डेट है आपका, अप्लाई का डेट आपका 18 जनवरी से है, मतलब आज से इसका अप्लाई शुरू हो गया है। तो 18 जनवरी से लेके 17 फरवरी तक अप्लाई होगा। तो मैं आपको बोलता हूँ कि कम से कम आप 5 फरवरी तक अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप 5 फरवरी तक अप्लाई नहीं करते हैं तो उस समय सर्वर स्लो हो जाता है और फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत होता है। और जो पेपर वन आपका जो सीबीटी वन होगा, मतलब एक ही टायर में एग्जाम होगा, एक टायर के अंदर दो सेशन रहता है। तो आपका जो पहला जो एग्जाम होगा वो कब होगा, अप्रैल मंथ में, आपका अप्रैल मंथ में एग्जाम होगा। और आपका जो एज लिमिट है, 1 जनवरी 2023 को आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 25 से 27 साल। तो मिनिमम यहाँ आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आप देख रहे हैं 25 और 27 दोनों हम लिखे हैं। तो ये पोस्ट वाइज है, यहाँ दो पोस्ट है, एमटीएस और हवलदार, तो किसी किसी पोस्ट के लिए 27 साल भी दिया गया है, इसलिए यहाँ पर 27 साल लिखे हैं। और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है और एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है एज में। जैसे कि जिन जो अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है उसका 25 साल पूर चुका है, वो एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहता है लेकिन उसका 25 से ज्यादा हो रहा है, लेकिन ओबीसी वाला है वे, तो उसको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। इसका मतलब यही होता है। एलिजिबिलिटी, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्क्स 10th पास, आपको पता होगा कि एमटीएस जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है उसके लिए बस 10th पास जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं टायर वन एग्जाम के बारे में। तो टायर वन में जो एग्जाम होगा, पहले आपका टायर वन का एग्जाम होगा, ठीक है, इसमें आप एग्जाम दीजिएगा जो कि यहाँ पर है ये वाला, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। उसके बाद आपका पेड पीएचडी होगा, ये सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए है। हवलदार पोस्ट के लिए जो जो अप्लाई करेंगे उन्हीं का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल, और इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसको हटा दिया गया है। तो टायर वन के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो टायर वन है इसमें सेशन वन और सेशन टू होगा। तो सबसे पहले सेशन वन के बारे में बात करते हैं कि सेशन वन में क्या क्या है। देखिए, सेशन वन में जो है दो सब्जेक्ट पहले है, मैथ और रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग कितना, 20 क्वेश्चन मैथ से, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से, और 20 क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है, 60 मार्क्स। इधर भी रीजनिंग में 20 क्वेश्चन के लिए 60 मार्क्स, और टोटल कितना मिनट मिल रहा है, 45 मिनट। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का हो जाता है, 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका हो जाता है। और इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि आप 40 में 40 अगर टिक कर दीजिएगा, मान लीजिए 40 क्वेश्चन आ रहा है, देखिए मैथ और रीजनिंग मिला के 40 क्वेश्चन आ रहा है, 40 में से आपको 15 आता है तो आप 15 क्वेश्चन कर दिया, 5 क्वेश्चन नहीं भी आता, अगर आप तुक्का भी लगाइएगा तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपका, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं कटेगा इसमें, ये टायर वन का सेशन वन में। और इसके बाद हम आते हैं सेशन टू में। तो सेशन टू में दो सेक्शन है, जीके और इंग्लिश को रखा गया है। तो ये 25-25 क्वेश्चन है इसमें, जीके का 25 क्वेश्चन, उसके लिए 75 मार्क्स, मतलब यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन पर कितना, 3 मार्क्स दिया जा रहा है, एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स दिया जा रहा है। इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, लेकिन इसमें क्या है कि एक मार्क्स का आपका नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत कीजिएगा ये सेशन टू में, मान लीजिए जीके का आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका एक मार्क्स कटेगा, यहाँ पर आपका एक मार्क्स कटेगा। और जो फाइनल मेरिट बनेगा, जो मेरिट लिस्ट में नाम आता है जिसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो वे आपका किस पर होगा, सेशन टू पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ये जो सेशन टू का एग्जाम दीजिएगा जीके और इंग्लिश, इसी पर, ये सेशन वन मेरिट के लिए काउंट नहीं होगा, ये बस क्वालिफाइंग है। सेशन वन क्या है, क्वालिफाइंग है सिर्फ, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे कि सेशन वन में मान लीजिए 120 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है ना, इसमें से कट ऑफ जाएगा आपका 60, 70, 80, तो आपको बस इसमें क्वालिफाई करके आना है। इसमें जो आप मार्क्स लाइएगा ना, इस 150 में से जो आप मार्क्स लाइएगा, ये फाइनल मेरिट में काउंट होगा और आप वहां पर पास कीजिएगा। तब हम बात करते हैं पीटी और पीएचडी के बारे में। तो जो हवलदार के लिए सिर्फ पीटी और पीएचडी होगा। पीटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएचडी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीटी का मतलब होता है कि आपका जो वॉकिंग ये सब होगा, पीएचडी का मतलब कि आपका देह हाथ का जो नाप लिया जाता है उसको पीएचडी बोलते हैं। तो इसमें देखिए, आपका वॉकिंग होगा 1600 मीटर, जो कि 15 मिनट में करना है मेल के लिए, मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर 15 मिनट में करना है, ये सिर्फ हवलदार का पोस्ट के लिए। फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर 20 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट को। तो इसमें आप देखिएगा कि पहले साइकिलिंग भी दिया जाता था एमटीएस के पोस्ट में, साइकिलिंग को हटा दिया गया है, सिर्फ वॉकिंग रखा गया है।
हाइट 157.5 सेंटीमीटर चाहिए जनरल ओबीसी, और एसटी का सिर्फ 152.5 सेंटीमीटर मेल में, और फीमेल में 152 सेंटीमीटर और एसटी का 149.5 सेंटीमीटर। चेस्ट मेल में 81 से 86 सेंटीमीटर, मतलब 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद आपका 86 सेंटीमीटर पहुंचना चाहिए। और जो यहाँ पर आपका फीमेल कैंडिडेट्स का चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, और वेट मेल कैंडिडेट्स का एप्लीकेबल नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वेट मैंडेटरी है, जो कि 48 केजी जनरल ओबीसी वालों का होना चाहिए और एसटी का 46। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा ये एसएससी एमटीएस और हवलदार का जितना भी चीज था मैंने आपको बता दिया कि टोटल पोस्ट इस बार देखिए 11,000 से भी ज्यादा टोटल पोस्ट निकला है। तो इस बार कटअप भी जो है कम जाएगा क्योंकि नया पैटर्न आया है, इसमें एक ही दिन में आपका एग्जाम होगा सेशन वन और सेशन टू का, और नया पैटर्न आया है तो बहुत कोई तो अभी इस लेवल से तैयारी किए ही नहीं है कि ये वाला क्वालिफाइंग होगा। हर किसी का इंग्लिश अच्छा नहीं होता है, तो इसमें आपका सिलेक्शन लेने का बहुत अच्छा चांस है अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश और जीके पर ही आपका फाइनल मेरिट बनेगा सेशन टू पर। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।